तो ये मेरा घर है रेंट पे और मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल लाइट है, अच्छी सी बालकनी है, मेरी वाइफ ने बड़े प्यार से इसे डेकोरेट किया है, नीचे बैडमिंटन कोर्ट है, बच्चों के लिए गार्डन है। मन तो ये है कि काफी टाइम यहीं रुका जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, रेंट एग्रीमेंट जो है ना केवल 11 महीनों का है। इसके पीछे दो रीजन। पहला है रजिस्ट्रेशन फीस। अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 कोई भी लीज प्रॉपर्टी अगर एक साल या उससे ज्यादा के टेन्योर के लिए दी जाती है तो उसका सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और उसमें लगती है भारी भरकम रजिस्ट्रेशन फीस जो जनरली 1% ऑफ वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है। दूसरा रीजन है टैक्सेस जो लिया जाता है स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में। ज्यादातर स्टेट में ये 1-2% ऑफ वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, लेकिन राजस्थान जैसी स्टेट में अप टू 6% तक जाता है। तो मान लो आपने कोई घर लिया जिसकी एनुअल रेंट है 3 लाख रुपए और आपने एग्रीमेंट 11 महीने की बजाय 12 महीने या एक साल का कर दिया, तो उसमें सबसे पहले लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी 3 लाख का 1% यानी 3,000 रुपए, और उसके अलावा लगेगी स्टैम्प ड्यूटी जो 2% के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो एडिशनल 6,000 रुपए का फटका, यानी सिर्फ एक महीने रेंट एग्रीमेंट बढ़ाने से एडिशनल 9,000 रुपए इस केस में आपके लग गए। तो हमारे यहाँ तो मकान मालिक किराएदार दोनों ही समझदार है, इसलिए 11 महीने का ही एग्रीमेंट करते हैं। बस मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि हमारा ये एग्रीमेंट आगे एक्सटेंड हो जाए।